नमस्कार, आज के इस YouTube वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस YouTube वीडियो के में हम ई इनवॉइस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको जानते हैं कि ई इनवॉइस सबसे पहले अक्टूबर 2020 में नोटिफाई किया गया था, और उस समय जो टर्नओवर लिमिट थी 500 करोड़ थी, जिसे धीरे धीरे कम करके 100 करोड़ पर लाया गया, और अब 1 अप्रैल 2022 से ये हर उस GST कारोबारी पर लागू होगा जिसका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ या उससे ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर 17-18 से फाइनेंशियल ईयर 20-21 के दौरान किसी भी ईयर में। तो सबसे पहले तो इसकी एलिजिबिलिटी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 से फाइनेंशियल ईयर 20-21 में अगर किसी भी पर्टिकुलर ईयर में आपका टर्नओवर, जिसमें टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों इंक्लूड हैं, 20 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग 1 अप्रैल 2022 से अनिवार्य रूप से अप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 17-18 में 23 करोड़ था, उसके बाद 18-19 में 11 करोड़, 19-20 में 10 करोड़ और 20-21 में 5 करोड़, तो भी ये इनवॉइसिंग के प्रोसेस आप पे एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी के लिए फाइनेंशियल ईयर 17-18 से 20-21 तक का फाइनेंशियल ईयर देखे जा रहे हैं। और बाद के फाइनेंशियल ईयर्स में भले ही आपका टर्नओवर 20 करोड़ से नीचे हो, लेकिन चूँकि आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18 में ही टर्नओवर 20 करोड़ को क्रॉस कर गया था, इसलिए 1 अप्रैल 2022 से आप सभी के लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। अब ई इनवॉइसिंग किस तरह के ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि सिर्फ आउटपुट सप्लाई पे एप्लीकेबल है। आउटपुट सप्लाई में एग्जेम्प्टेड सप्लाई इंक्लूड नहीं है। इसी तरह B2C भी फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखी गई है, यानी कि आपको सिर्फ B2B इनवॉइसेस पर ही ई इनवॉइस पोर्टल पे ई इनवॉइस जनरेट करना कंपलसरी है। अब अगर ई इनवॉइस जनरेट नहीं करते हैं तो इसके क्या नुकसान किसी भी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर को हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि सेक्शन 122 में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, जो कि टैक्स का 100% या 10,000 रुपये, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो वो होगा। दूसरा इसका जो ड्रॉबैक है वो इनवॉइस जनरेट नहीं करने का, वो ये है कि आपका जो रेसिपिएंट है, जिसको आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं, उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने अगर इनवॉइस पे पोर्टल पे वो B2B ट्रांजेक्शन जनरेट नहीं किया है, और ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर IRN होता है, यानी कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर, वो जनरेट नहीं किया, और उसके बिना आप टैक्स इनवॉइस अपने रेसिपिएंट को इशू कर देते हैं, तो वो एक वैलिड इनवॉइस नहीं माना जाता। रूल 48 के सब रूल 5 में ये बात कैटेगोरिकली स्पेसिफाई की गई है कि अगर किसी भी टैक्स पेयर ने, जिस पर ई इनवॉइस के प्रावधान लागू थे, लेकिन ई इनवॉइस पोर्टल पर ई इनवॉइस को जनरेट नहीं किया है, तो उसके द्वारा इशू की गई टैक्स इनवॉइस वैलिड इनवॉइस नहीं रहेगी। और जब वो वैलिड इनवॉइस ही नहीं रहेगी, तो आपके रेसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई कि सेक्शन 122 में आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, जो कि टैक्स के 100% या 10,000 रुपये, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो सकती है। तो इन्हीं प्रोविज़न से आप समझ सकते हैं कि इनवॉइस पोर्टल पर ई इनवॉइस को जनरेट करना आपके लिए कितना ज़रूरी हो चुका है। अब बात करते हैं कि ई इनवॉइस आखिर में है क्या। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ई इनवॉइस का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं उसको किसी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। ये चीज़ जब ई वे बिल लागू हुआ था, तो कुछ समय तक कुछ लोगों के मन में ये भी भ्रांति थी और कन्फ्यूजन था। कुछ लोग कहते थे कि क्या अब हमें जो हम मैनुअली टैक्स इनवॉइस काटते हैं वो हमें काटने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम सिर्फ ई वे बिल करें। उसको भी इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होने की वजह से कुछ लोगों ने उसको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस से कन्फ्यूज़ करना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आप अपना बिल तो मैनुअली ही काटेंगे, जैसे अभी तक काटते हैं, चाहे वो कंप्यूटराइज्ड हो चाहे आप मैनुअल बिल बुक का यूज़ करते हो। सिर्फ इतनी सी बात है कि आपके द्वारा जो इशू किया गया है बिल, उसको आप ई इनवॉइस पोर्टल पर जनरेट करेंगे। अब उस ई इनवॉइस पोर्टल पर जनरेट करने से क्या होगा कि आप पोर्टल आपको एक 64 डिजिट का IRN नंबर, जिसको हम इनवॉइस रेफरेंस नंबर कहते हैं, वो जनरेट करके देगा। ये IRN आपको सिस्टम द्वारा ही जनरेट करके दिया जाएगा, जैसे ही आपका ई इनवॉइस का जो B2B ट्रांजेक्शन का जो टैक्स इनवॉइस है वो सक्सेसफुली वहाँ पर अपलोड हो जाए। उस IRN नंबर का यूज़ करके आप या तो उस IRN नंबर को आप मैनुअली अपने टैक्स इनवॉइस पे लिख सकते हैं, या फिर उसका जो PDF निकलेगा उसका प्रिंटआउट निकाल के भी आप अपने रेसिपिएंट को ओरिजिनल इनवॉइस के साथ दे सकते हैं। इसमें एक और बात यह है कि आप ई वे बिल के केस में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो IRN, यानी कि जो आपके ई इनवॉइस पोर्टल पर जो आपने इनवॉइस जनरेट कर दी है,
वो आपके जी एस टी आर वन में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे उस पीरियड के जी एस टी आर वन में जिस पीरियड से रिलेटेड वो ई इनवाइस है। सपोज़ अगर नवंबर 2022 का कोई इनवाइस है जिसको आपने इनवाइसिंग पोर्टल पे चढ़ा दिया था, तो इनवाइसिंग पोर्टल उस बिल की जो डेट है नवंबर 2022 उसको ध्यान में रखते हुए नवंबर 2022 का जो आपका जी एस टी आर वन होगा उसमें ऑटो पॉपुलेट कर देगा। और इसी तरह से ई वे बिल में भी ई वे बिल एक अलग प्रक्रिया है, ई वे बिल का पोर्टल अलग है और ई वे बिल के अपने कायदे कानून है, ई वे बिल का अपना पर्पज़ है। तो इसको ई वे बिल से भी हमें कन्फ्यूज़ नहीं करना है, ई वे बिल तो आपको फिर भी बनाना है जो एक रास्ते का बिल है, लेकिन ई इनवाइस पोर्टल के प्रोविजन यदि आप पे एप्लीकेबल होते हैं तो यू हैव टू कंपल्सरीली फॉलो इट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। अब इसको फॉलो करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, जैसा कि GST का एक सेपरेट पोर्टल है, ई वे बिल का एक सेपरेट पोर्टल है, उसी तरह ई इनवाइस का भी एक सेपरेट पोर्टल गवर्नमेंट ने बना रखा है। जिस किसी को भी ई इनवाइस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं वो गूगल पे सर्च करें ई इनवाइस पोर्टल, तो वहाँ पर सबसे पहले जो गवर्नमेंट का पोर्टल है ई इनवाइस का वो आपको नज़र आ जाएगा। वहाँ पर आप अपने GST नंबर को रजिस्टर करा सकते हैं, वहाँ पर आप पासवर्ड ID वगैरह बना सकते हैं एंड देन यू कैन प्रोसीड टू जनरेट द ई इनवाइसेस। अब इस ई इनवाइस को जनरेट करने के लिए और पोर्टल पे चढ़ाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो एक ऑफलाइन टूल जो कि उस पोर्टल पर ही डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है, और या हम किसी सॉफ्टवेयर की मदद ले सकते हैं जो एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है। जैसा कि ई इनवाइस पोर्टल पे गवर्नमेंट ने डाला भी है कि कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स को उन्होंने इनेबल किया हुआ है, परमिशन दी हुई है कि वो इनवाइस पोर्टल पे इनवाइस जनरेट करने के लिए ऑथोराइज हैं। तो उनमें से किसी भी ERP सिस्टम को या सॉफ्टवेयर सिस्टम को आप एम्प्लॉय कर सकते हैं अपने लिए इनवॉइस जनरेट करने के लिए। ये तो हुई बात कि हमें इनवॉइस कैसे जनरेट करना है, हम कैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि अब इसके बाद ये बात आती है कि भाई इनवॉइस हमें B2C ट्रांजेक्शन पर तो नहीं करना। तो सवाल ये उठता है कि सपोज़ अगर मेरा टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर हो गया है तो मुझे इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, लेकिन मैं बेसिकली B2C ही करता हूँ, यानी कि मेरे बहुत कम संभावना रहती है B2B होने का, या हम मैं मान लूँ कि 100% मेरा B2C होता है। उस केस में मुझ पर टर्नओवर लिमिट के हिसाब से इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए, बट मुझे B2C ट्रांजेक्शन का कोई इनवॉइस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर हम पेट्रोल पंप्स के केस में देखें तो पेट्रोल पंप्स का टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है तो उन पर इनवॉइस के पोर्टल पर प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। अगर हम उनका पोर्टल पर जनरेट करेंगे, अगर हम उनका GST नंबर इनवॉइस पोर्टल पे डाल के देखेंगे तो वहाँ पर आएगा मैसेज कि यू हैव बीन इनेबल्ड फॉर इनवॉइसिंग पोर्टल। इसका मतलब ये है कि इनवॉइस का जो पोर्टल है वो GST पोर्टल पे जो उसका टर्नओवर है, रिपोर्टेड टर्नओवर, वहाँ से वो टैली करके और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेट्रोल पंप्स को भी इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका सिंपल रीज़न है कि जहाँ तक पेट्रोल डीजल का सवाल है वो नॉन GST सप्लाई से, और जहाँ तक ऑयल की सप्लाई का सवाल है लुब्रिकेंट्स की, तो अगर वो B2B ट्रांजेक्शन होता है तब तो उनको ई इनवॉइस जनरेट करना कंपलसरी है ही। लेकिन अगर मोस्टली वो सिर्फ B2C यानी अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स को ये लुब्रिकेंट या ऑयल की सेल करते हैं तो दे इन दैट केस दे डोंट हैव टू जनरेट एनी इनवॉइसिंग। उसके बाद अब हम बात, तो ये चीज़ का क्लियर है कि अभी फ़िलहाल उसको सिर्फ B2B ट्रांजेक्शन के लिए किया गया है, और उसके लिए कहीं से भी कोई हमारे पास B2C ट्रांजेक्शन को या टैक्सेबल टैक्स फ्री सप्लाईज को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसका लीगल प्रोविज़न देखना चाहें तो हम इसके लिए रूल 48 सब रूल 4 पढ़ते हैं। रूल 48 सब रूल 4 में नोटिफिकेशन नंबर 68/2019 डेटेड 13/12/2019 से एक न्यूली इंसर्ट किया गया था सब रूल। इस सब रूल में उन्होंने इफेक्टिवली ई इनवॉइस को इंसर्ट किया, और ये इंसर्ट किया उन्होंने 13/12/2019 से, लेकिन एक्चुअली में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था वो अक्टूबर 2020 से ही हो पाया था। उसके बाद अभी एक नोटिफिकेशन, फिर समय समय पर इसकी जो लिमिट है वो डिसाइड की गई, पहले 500 करोड़ फिर 100 करोड़ जैसे मैंने पहले भी कहा। अब नोटिफिकेशन नंबर 1/2022 जो अभी रिसेंटली मार्च के महीने में इशू किया गया उसके द्वारा इसकी लिमिट को कम करके 20 करोड़ कर दिया गया है, और ये इफेक्ट दिया गया 1 अप्रैल 2022 से, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से सभी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर जिनका फाइनेंशियल ईयर 17-18 से फाइनेंशियल ईयर 20-21 तक टर्नओवर 20 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा था उन्हें इनवॉइसिंग रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपना B2B का ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके पीछे गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या हो सकता है? कभी मन में सवाल आ सकता है कि हमें एक ही बिल तीन जगह अपलोड करना पड़ रहा है, GSTR 1 में भी, इनवॉइस पोर्टल पर भी, साथ ही साथ उसका ई-वे बिल बनेगा। तो इसके पीछे रीज़न गवर्नमेंट का यही था कि जहाँ तक हो सके उसको डिजिटलाइज कर देना और उसकी रिपोर्टिंग
ऑथेंटिक कर देना ताकि फेक इनवॉइसेस पे अंकुश लगाया जा सके। और जो एक बार अगर कोई रिपोर्ट हो गया तो फिर उसके बाद उसको डिलीट करना पॉसिबल नहीं है, उसको आप कैंसिल नहीं कर, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिलेशन के लिए भी 24 घंटे का टाइम लिमिट दिया हुआ है, 24 घंटे के अंदर आप उस इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं। अगर वो 24 घंटे निकल जाते हैं तो फिर उसका कैंसिलेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो ये इनवॉइस से जुड़ी जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको यहाँ पर दी है। और अब इसके संबंध में अभी ये चीज़ है कि जिस तरह कोई भी सिस्टम हमारा नया नया आता है तो हमें उसे यूज़ टू होने में टाइम लगता है। जैसे जब GST लगा था तब भी बहुत सारी चीज़ें थी, उसके बाद हम धीरे धीरे यूज़ टू होने लगे। GST में कई प्रोविज़न चेंज हुए हैं, कुछ ITC को लेके प्रस्तावित हैं जो अभी बजट में किए गए थे, हालांकि उनको नोटिफाई नहीं किया गया। तो कुछ चीज़ें टफ भी होती जा रही हैं। ईवे बिल आया था तो उसके बाद भी लोगों को यूज़ टू करने में बहुत टाइम लगा था। उससे पहले वेट में, जैसे राजस्थान वेट की अगर मैं बात करूँ, तो एक रोड परमिट टाइप का एक निकलता था फॉर्म। तो ई इनवॉइस भी इसी तरह की एक प्रोसेस का हिस्सा है। इसका धीरे धीरे टर्नओवर लिमिट कम किया जाता है। जिन लोगों की टर्नओवर लिमिट पहले ही इनवॉइस के दायरे में आ चुकी है वो लोग अब सक्सेसफुली काफ़ी टाइम से ई इनवॉइस को यूज़ कर रहे हैं। और धीरे धीरे अभी जो नए कारोबारी जो इसकी जद में आएंगे अब इस नए नोटिफिकेशन के अंदर, उन्हें थोड़ा समय लग सकता है, उनके अकाउंटेंट्स को, उनके कारोबारियों को थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें भी यूज़ हो जाएंगी। और अब कानून बनाया है तो हमें उसको प्रोविज़न को फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ सेक्शन 122 आपके अगेंस्ट लग सकता है। इसके अलावा आपके रेसिपिएंट को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनपुट टैक्स क्रेडिट भी देना है, हो सकता है। तो ये कुछ जानकारी मैंने इनवॉइस को लेकर मैं आपके साथ आया था। अब आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनवॉइस जनरेट करें, और अब जब भी आपके आपका कंसल्टेंट से आप पूछें कि क्या मेरे GST नंबर पर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल है या नहीं, इसकी जानकारी आप समय से कर लें। और इसका इसका पालन करने के लिए या तो आप पोर्टल पर ऑफलाइन टूल का यूज़ कर सकते हैं, उसको समझना शुरू कर दें, या फिर आप किसी डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।